Hello again. We were talking about kidney failure and the reasons causing kidney failure. Now, to talk about the symptoms. How does one know that somebody is suffering from or is likely to land up with kidney failure? Kuch symptoms bahut straightforward hote hain. Kidney ka kaam hai urine formation karna. और अगर यूरिन नहीं बन रहा है यानी कि आपका यूरिन रुक गया है या पास नहीं कर पा रहे हैं या बन ही नहीं रहा है तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि भाई किडनी आपको अपनी चेक करवानी चाहिए क्योंकि ये किडनी फेलियर का एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है. कभी कभी सारे शरीर में सूजन आनी शुरू हो जाती है, सारा शरीर फूल जाता है, फेस फूल जाती है, आंखें फूल जाती हैं, गला दिमाग ये गर्दन फूल जाती है, हाथ फूल जाते हैं, पूरे पैरों में जैसे पूरी बॉडी में वाटर लॉगिंग यानी वाटर रिटेंशन हो गई. वाटर रिटेंशन के कई कारण हैं लेकिन किडनी फेलियर इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वाटर रिटेंशन अकर्स. एंड आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हमारे को ये चेक कर लेना चाहिए कि किडनी फेलियर ये वाटर रिटेंशन क्यों हो रही है. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट दिस थिंग. समटाइम्स वेरी हाई ब्लड प्रेशर. आपको नॉर्मल आदमी को ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की गोलियां दवाइयां आप ले रहे हैं, सडनली किडनी को कुछ प्रॉब्लम हुई और ब्लड प्रेशर बहुत 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 हाई हो गया. इतना हाई हो गया कि आपकी जो नॉर्मल दवाइयां हैं वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही. इसको एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन कहते हैं. एक्सेलरेशन यानी आपने बहुत तेजी से अपनी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है और जिसकी वजह से कभी कभी किडनी फेलियर हो सकता है. कभी कभी जब इतना यूरिन जब आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो पास नहीं हो पाएगा तो किडनी फेल हो जाएगी पूरी तरह से. किडनी उसको आपके खून को साफ नहीं कर पाएगी. सो दिस वाटर विल देन यू नो स्टार्ट कलेक्टिंग इन द ब्लड सप्लाई इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी. इससे क्या होगा कि आपके लंग्स में पानी भर जाएगा. लंग्स में पानी भरने से आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी. सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बात करते करते सांस भरना, थोड़ा बहुत उठने बैठने में सांस भरना, चलने फिरने में सांस भरना, सिंपल थोड़ी सी वॉकिंग हुई और सांस भरना, ये भी कभी कभी कुछ लक्षण होते हैं, कुछ कारण होते हैं विच सिग्निफाई दैट द किडनीज मे बी एट फॉल्ट और किडनी फेलियर की तरफ आप जा रहे हैं. और ऑफ कोर्स ये सब चीजें कभी भी किसी के साथ, खास करके जिन लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसका मतलब उनको डायबिटीज है, उनको ब्लड प्रेशर है, जो स्मोकर्स हैं, इन सब लोगों को कभी भी किडनी फेलियर की प्रॉब्लम शिकायत तकलीफ हो सकती है. और इसके लिए बहुत सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन कहा जाता है. ये आप कभी भी करवा सकते हैं जिसके करवाने से आपको कुछ आइडिया मिल सकता है कि आपका किडनी फंक्शन कैसा चल रहा है. इसके साथ में एक और ब्लड टेस्ट होता है, वो होता है सोडियम एंड पोटेशियम. ये सोडियम और पोटेशियम दो बहुत जरूरी सॉल्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में जिनकी जो किडनी की खराब होने की वजह से पोटेशियम के लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं. और पोटेशियम का लेवल हाई होना बहुत डेंजरस होता है क्योंकि हाई पोटेशियम लेवल्स कैन कॉज योर हार्ट टू स्टॉप बीटिंग यानी कार्डियक अरेस्ट हो सकती है, यानी आपका हार्ट रुक सकता है, हार्ट चलना बंद हो सकता है, धड़कना बंद कर सकता है. सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम अपना यूरिया क्रिएटिनिन और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम एंड पोटेशियम को चेक कराएं. और अगर पोटेशियम लेवल्स हाई है या क्रिएटिनिन लेवल्स हाई है तो इमीडिएटली नेफ्रोलॉजिस्ट यानी जो किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे हमें मिलना चाहिए क्योंकि उन्हीं से मिलके आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं प्लस ऑफकोर्स उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो शुरू करना चाहेंगे. सो अब इसमें क्या किया जाता है जब किडनी फेल हो जाती है, ऐसा क्या करा जाए जिससे कि किडनी की हम सब्स्टिट्यूट कर सकें या किडनी का फंक्शन किसी और चीज से हम करा सकें. कोई ऐसी चीज है क्या जिससे कि हम किडनी की जो सफाई करने की जो फंक्शन है, किडनी फिल्ट्रेशन का जो फंक्शन है, वो हम शरीर के बाहर से कर सकते हैं क्या? ये मैं आपको अगली दफा